हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने गैस लॉस के बारे में पढ़ा, अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसी के ऊपर के बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर की। तो हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ परफेक्ट गैस एट टू प्रेशर्स इज P1 एंड P2 एज शोन इन फिगर। कंपेयर P1 एंड P2। डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम निकालना। ओके, ऐसा डायग्राम निकाल लो सर। P1 और P2 का कंपेयर करना, मतलब सेम है, P1 बड़ा है या P2 बड़ा है, ऐसा। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना। हमको मालूम है PV इज इक्वल टू म्यू RT होते हैं। अब देयरफॉर V इज इक्वल टू म्यू R बाय P इनटू T। इसको ऐसे क्यों प्लॉट, ऐसे ये इक्वेशन में क्यों लिखा मैंने, बिकॉज वॉल्यूम y एक्सिस पे है और टेम्परेचर x एक्सिस पे है, और इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। एम क्या है, स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू म्यू आर बाई पी। म्यू कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ओके, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। स्लोप इसका ज्यादा है मतलब ये प्रेशर कम रहेगा, स्लोप इसका कम है मतलब ये प्रेशर ज्यादा रहेगा, मतलब P2 इट इज ग्रेटर देन P1। दिस इज आवर आंसर। समझ में, स्लोप ज्यादा प्रेशर कम, स्लोप कम प्रेशर ज्यादा, दैट्स इट। अगला, फ्रॉम PT ग्राफ व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग वॉल्यूम। अब ग्राफ देखो कैसा है, यहां टेम्परेचर, यहां प्रेशर, ऐसे वॉल्यूम्स है V1, V2, थीटा 1, थीटा 2। V1 बड़ा या V2 बड़ा या दोनों सेम है चेक करके बताना। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम लोग क्या, सॉरी ये ग्राफ है, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे PV इज इक्वल टू म्यू RT, PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो देयरफॉर T इज इक्वल टू V अपॉन म्यू R इनटू P। अब ऐसा इक्वेशन क्यों लिखा, क्योंकि T y एक्सिस पे प्लॉट है, P x एक्सिस पे प्लॉट है, और ये हो गया स्लोप, क्योंकि y इज इक्वल टू स्लोप टाइम x होता है, इक्वेशन है लाइन y इज इक्वल टू mx। यानी इसका मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो स्लोप क्या मिला हमको, तो स्लोप बिकम्स v बाय म्यू r, लेकिन स्लोप का फॉर्मूला होता है टाइम थीटा होता है, जब एंगल दिया होता है तो स्लोप टाइम थीटा भी होता है। म्यू आर कॉन्स्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा। यहां पे थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 दिख रहा है प्रॉब्लम में, तो देयरफॉर टैन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टैन थीटा 2, तो देयरफॉर V1 इट इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, फ्रॉम PV ग्राफ व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग टेम्परेचर। ऐसे T1 T2 कंपेयर करना है हमको। ओके, कैसे करेंगे देखो, यहां पे हम लोग चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम लोग एक प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन निकालेंगे, ऐसे ये इस ग्राफ को यहां पर टच हो रही है तो उस वक्त वॉल्यूम V1 था, ये वाली लाइन प्रेशर की लाइन ये यहां पर टच हो रही है तो वॉल्यूम V2 था। दिस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर T1 है, जब वॉल्यूम V2 है टेम्परेचर T2 है। ओके, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डायग्राम से कौन बड़ा है, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, सिंस V1 इज लेस देन V2, V1 V2 से छोटा है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, देयरफॉर T1 इज लेस देन T2। ठीक है, समझ में आया सबको। A narrow uniform glass tube 80 cm long and open at both the ends is half immersed in mercury.
then the top of the tube is closed and it is taken out of mercury. A column of 22 cm long then remains in the tube. What is the atmospheric pressure? अब ये मर्क्यूरी है, इसके अंदर हम लोगों ने 80 सेंटीमीटर ट्यूब रखा सच दैट आधा अंदर है, तो इसके अंदर जो एयर है ना इसका प्रेशर कितना रहेगा, जितना मर्क्यूरी है यानी 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और एयर का वॉल्यूम कितना रहेगा बेटा, लेट अस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एयर की कितनी है, एयर की लेंथ कितनी है 40 × 40 लेट अस से सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्लियर। फिर तुमने क्या किया था, इसको बाहर निकाला, इसका एक एंड ऊपर ऐसे थम लगा दिया और इसको बाहर निकाला तो कुछ मर्क्यूरी गिर गया, तो जो बच गया जो मर्क्यूरी बच गया वो था 22 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी बच गया, तो एयर कितना बचा इसमें 58 सेंटीमीटर, तो यहां पे प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर एयर का प्रेशर कितना हुआ, मर्क्यूरी कितना है 22 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये प्रेशर हो गया, और वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया आज भी ए है और मर्क्यूरी कितना है बेटा, सॉरी प्रेशर कितना हो गया पी माइनस 22 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके पी माइनस 22 इंटू सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यहां पे लेटर से पी है, पी पकड़ते इसको, पी पकड़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा पी माइनस 22 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और वॉल्यूम कितना रहेगा, एरिया इनटू लेंथ कितना है 58, पहले बार में पी पकड़ेंगे तो अब 22 रह गया ना, तो कितना हो गया पी माइनस 22, कितना हुआ है पी माइनस 22, एरिया हो गया इतना। अब दोनों केस में टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मतलब P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1 कितना है P और वॉल्यूम कितना है बेटा A इंटू 40, P2 कितना है P माइनस 22 क्योंकि ओरिजिनल प्रेशर निकाला था, व्हाट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक P था, ओके P माइनस 22 इंटू एरिया इंटू 58, एरिया तो कट गया है ना, तो 40P इज इक्वल टू 58P माइनस 22 इंटू 58 1276, ओके ये इधर आ गया ये इधर आ गया, तो 18P इज इक्वल टू 1276, तो P इज इक्वल टू 1276 बाय 18, दैट मैं सॉल्व कर दूँ उसको, उतना सॉल्व कर, ओके यहाँ समझ में आया, यहाँ पे हम लोगों को P लेना पड़ेगा शुरुआत में, ओके P ले लो। चलो नेक्स्ट, a gas at 27 degree Celsius in cylinder has volume 4 liter and pressure 100 Pascal. Gas is first compressed at constant temperature so that pressure is 150 Pascal. Calculate the change in volume. Okay. पहले क्या बोला है? Constant temperature पे compress किया. तो first case में volume कितना है? 4 liter. Pressure कितना है? 100 Pascal. नया प्रेशर कंप्रेशन के बाद में नया प्रेशर कितना हो गया 150 पास्कल, चेंज इन वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम वुड बी V1 माइनस V2, ओके V2 नहीं है हमारे पास में है ना, तो V2 के बजाय क्या लिख सकते हैं हम लोग P1V1 upon P2, कैसे, क्योंकि हमको मालूम है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है, तो देख लो वहां से V2 कितना होता है ना, सभी वैल्यूज है हमारे पास में, तो देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम कितना है, V1 कितना है बेटा 4 लीटर माइनस P1 कितना है 100 इंटू V1 4 अपॉन 150,
therefore delta V is equal to 12 minus 8 यानी 4/3 liters, यानी 1.33 liters. ये आंसर है. बाद में क्या बोला है? It is then heated at constant volume so that temperature becomes 127 degree Celsius. Okay. Constant volume पे इसको heat किया हम लोगों ने. Okay. तो पहले बार में टेम्परेचर आ गया. यहां पे पहला टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन. नया टेम्परेचर कितना हो गया? 127 डिग्री सेल्सियस यानी 400 केल्विन. ओके, क्लियर विद दिस? वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है यहां पे. कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देयरफॉर P2/P1 इज कैन बी रिटन एज T2/T1. P2 कितना है बेटा? P2 निकालना है, सॉरी P2 नया प्रेशर निकालना है. P1 कितना है? 100, 400/300 ये इधर चला गया, 400/3 पास का. दिस इज योर आंसर, 400/3. ओके, extremely sorry. It is then heated बोला है. उसके बाद में heated बोला है. It is then बोला है. Sorry. ये भूल गए थे हम लोग शब्द. ये शब्द भूल गए. यानी उसके बाद, यानी इतना pressure होने के बाद में heat किया, तो सिर्फ यहाँ पे अपने को 150 लेना पड़ेगा. तो 150 लोगे, अगर इसको solve करोगे, तो answer आ जाएगा 200 पास. 200 पास. It is then बोला है ना, अलग से प्रोसेस नहीं किया. एक बार 150 पास्कल पे आ गया था, उसके बाद में उसको हिट किया, 150 पास्कल के आगे. ठीक है, क्लियर? ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन. अ वेसल कंटेन्स टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस नियॉन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नियॉन मोनोएटमिक है, ऑक्सीजन डायएटमिक है. द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स इज, पार्शियल प्रेशर यानी दोनों का 3/2. हम लोग 1 नियॉन के लिए यूज करेंगे और 2 ऑक्सीजन के लिए यूज करेंगे. ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, यानी N1 अपॉन N2 निकालना है, और मास डेंसिटी यानी रो 1 अपॉन रो 2 निकालना है. मॉलिक्यूलर मास दिया है, N1 दिया है 20, N2 दिया है. अब P is directly proportional to number of moles, है ना? P is directly proportional to number of moles. R, T और V अगर constant है तो ये है ना? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? And number of moles is N/NA, मतलब P is directly proportional to number of molecules. तो therefore P1 upon P2 is N1 upon N2. तो N1 upon N2 कितना हुआ? P1 upon P2 यानी 3/2. ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट रेशियो. ठीक है, समझा ना? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है N upon NA. NA तो कांस्टेंट है. ठीक है, अब मास डेंसिटी कंपेयर करना. मास डेंसिटी यानी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, नाउ तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकंड इज मास ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन मास ऑफ सेकंड गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस. ठीक है, लेकिन वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, तो ये कट गया, ये कट गया. नाउ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इनटू नंबर ऑफ मोल्स. इसको देखो कंपैरिजन कैसे करेंगे. ओके, इसका कंपैरिजन देखो कैसे, इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे. मास डेंसिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नहीं, ये छोड़ दो. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, है कि नहीं? तो यहां से ये n अगर इधर चला गया तो स्मॉल m इज इक्वल टू n कैपिटल m अपॉन na. na कांस्टेंट है,
एन ए क्या है कॉन्स्टेंट, तो एम वन अपॉन एम टू क्या लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकंड इनटू मोलार मास ऑफ फर्स्ट अपॉन मोलार मास ऑफ सेकंड। समझा क्या स्टेप, ये स्टेप यहां से आया, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज 3/2 इनटू एम वन अपॉन एम टू इज 20/32 समझ में आया सबको, ये न्यूमेरिकल ध्यान में आया, सभी को ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल, ओके। नेक्स्ट, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम दैट मच कंटेन्स आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड दैट मच प्रेशर, सम गैस इज अलाउड टू लीक सो दैट द प्रेशर फॉल्स टू दैट मच पास्कल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस लीक ओके इन मोल्स, एज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके। नाउ नंबर ऑफ मोल्स लीक म्यू दैट वुड बी इक्वल टू कितना आएगा, यहां से म्यू वन माइनस म्यू टू आएगा ना, पहले माइनस जितना बच गया, पहला कितना था पी वन वी वन अपॉन म्यू आर सॉरी आर टी माइनस पी टू वी टू अपॉन आर टी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर वैसे भी कॉन्स्टेंट है, ओके। अब वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इट वुड बी वी बाय आर टी ब्रैकेट में पी वन माइनस पी टू, बस ये सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर डेल्टा म्यू नंबर ऑफ मोल्स, वी का वैल्यू कितना है 8 × 10⁻³ अपॉन आर का वैल्यू 8.3 लेंगे, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 300 ब्रैकेट पी वन माइनस पी टू 200 − 125 is 75 kN × 10³ 3 pascal 10³ 3 ये कैंसिल हुआ ओके 25 3 3 4 2 4 3 3 3 कैंसिल तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 8.3 approximately solve कर सकते हो, इतना आंसर आएगा इसका, ओके क्लियर विद दिस, सभी को ध्यान में आया, ओके। चलो आगे हम लोग और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल लास्ट वाला कर लेते हैं सॉल्व आज का, है ना। पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून कंटेंस 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 18,000 फीट वेयर प्रेशर इज 0.5 एटीएम एंड टेंपरेचर इज दिस, ओके। बस कुछ नहीं, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये फॉर्मूला यूज करना है, म्यू आर कॉन्स्टेंट है, म्यू आर कॉन्स्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी वन वी वन अपॉन पी टू वी टू is equal to T1 by T2 क्योंकि mu r constant है, सभी वैल्यू है, देख लो पहला प्रेशर कितना है, पहले बार में प्रेशर कितना है 180 एटीएम, पहले बार में वॉल्यूम कितना है 500, दूसरे बार में प्रेशर कितना है 0.5, दूसरे बार का वॉल्यूम निकालना, पहले बार में टेम्परेचर देखो माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, हमेशा याद रखो केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कितना हुआ 300, दूसरे बार का टेम्परेचर −3 डिग्री सेल्सियस उसको कन्वर्ट किया केल्विन में, इट इज 270 केल्विन में कन्वर्ट करो, हमेशा याद रखो डिग्री सेल्सियस शुड बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, देखो क्या क्या कट हो रहे हैं, कितना कट हो गया 2 हो गया ओके, ये एक जीरो और कट हो गया 3 1 3 9 हो गया ना, ये इधर आ गया 9 इधर आ गया, तो V2 कितना हो गया 2 × 50 × 9 900 मीटर की वॉल्यूम बढ़ गया,
900 मीटर क्यूब होगा। ओके क्लियर विद दिस, ध्यान में है सबको? चलो एक और लास्ट वाला प्रॉब्लम मिल लेते हैं, देन इसको हम लोग रुक जाएंगे। ओके वैसे ही है सेम, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन बैरोमीटर रीड दैट मच एंड टेम्परेचर इतना, एट बॉटम ऑफ द माउंटेन बैरोमीटर रीड, बैरोमीटर का रीडिंग इतना है और टेम्परेचर का रीडिंग इतना है ना, बैरोमीटर इतना और टेम्परेचर इतना। कंपेयर द डेंसिटी ऑफ एयर एट द बॉटम एंड द टॉप, डेंसिटी को कंपेयर करना है, डेंसिटी। अब देखो यहां पर, अब P1 P2 बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो PV इज इक्वल टू म्यू, यानी क्या होता है मास अपॉन मोलर मास इंटू टी, वॉल्यूम नीचे मास इधर मोलर मास इधर, P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। P इंटू मोलर मास, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो देयरफॉर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू P इंटू मोलर मास अपॉन आर टी नीचे। तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड, प्रेशर वन अपॉन प्रेशर टू, मोलर मास सेम रहेगा क्योंकि गैस चेंज नहीं करी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल गया टी टू बाई टी वन। तो रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल टू, पहले बार में प्रेशर कितना है 70, दूसरे बार में प्रेशर 76, ये दूसरे बार का प्रेशर 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कट ही हो जाएगा। दूसरे बार में टेम्परेचर कितना है 27, यानी 300 क्योंकि 273 ऐड करना पड़ेगा। पहले बार में प्रेशर कितना है 7 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करना पड़ेगा यानी 280, कट हो गया ये 7 10 7 4 2 2 2 15 2 1 2 5, तो इट इज 15 × 5 = 75/76, दिस इज योर आंसर। ओके सो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स, कल हम लोग और इसके ऊपर के कुछ हार्ड वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसको स्टडी करेंगे। ओके सो दैट्स इट।